हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिलिप सिडनी की लिखी हुई फिलोमेला, जिसका एक दूसरा नाम द नाइटेंगल है, उसकी समरी लेके आया हूँ। स्टार्ट करते हैं फिलोमेला। फिलोमेला स्टार्ट करने से पहले आपको फिलोमेला मिथ के बारे में पता होना चाहिए। फिलिप सिडनी ने जो ये फिलोमेला लिखी थी, वो एक मिथ था जिसका जिक्र ओविड ने मेटामॉर्फोसिस की बुक 6 में किया था कि टेरियस नाम का एक राजा था, उसकी वाइफ थी प्रोकेन। उस प्रोकेन की एक सिस्टर थी जिसका नाम था फिलोमेला। तो टेरियस को फिलोमेला पसंद आई और उसने फिलोमेला का रेप करने के बाद उसकी गर्दन, उसकी जुबान काट दी। जब ये बात प्रोकेन को, और उसे कहीं छुपा दिया, जब ये बात प्रोकेन को पता चली तो प्रोकेन ने जाकर अपनी बहन को निकाला और दोनों बहनों प्रोकेन और फिलोमेला ने मिलकर हर टेरियस के बेटे को मार दिया और उसी का सूप बनाकर टेरियस को प्रेजेंट किया। अब जब टेरियस ने वो सूप पिया, उसके बाद जब उसे पता चला कि ये तो मेरा खुद का बेटा है, तो उसने उसने दोनों बहनों को मारने के लिए तलवार उठा ली। तभी वहाँ पे गॉड आए और गॉड ने इन सबको अलग अलग पक्षियों में कन्वर्ट कर दिया। तो फिलोमेला जो थी वो कन्वर्ट हुई नाइटेंगल में। अब ये इसके पीछे का मिथ है। और ये जो पोम 15 सेंचुरी में फिलिप सिडनी ने लिखी थी, तो ये उस टाइम के जो का जो प्रोसेस है, ये उसको बताती है कि इसमें क्या है कि उस इसमें उसने वैसे हर जगह पे, चाहे वो वेस्ट लैंड भी हो, जो टीएस इलियट ने लिखी है, उसके अंदर भी फिलोमेला के ट्रीटमेंट, के वॉयलेंट ट्रीटमेंट की बात हुई है। पर इस ये जो पोम थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि इसमें जो नरेटर फिलिप सिडनी का फोकस ये है कि वो फिलोमेला से ईर्ष्या करता है। वो ईर्ष्या इसलिए करता है क्योंकि वो ये जैसे ही हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि, आपको पता हो, फिलोमेला एक बड़ी पोम है, इसकी कुछ स्टार्टिंग की लाइंस को हम नाइटेंगल कहते हैं। और नरेटर जो उसमें ये बताता है कि वो, आपको जब पता हो, जैसे कि ये मिथ पहले पता होना चाहिए कि ओविड ने मेटामॉर्फोसिस में क्या मिथ दिया था। इससे क्या है कि जब जो भी पर्सन को मिथ पता होता है तो वो ये सोचता है कि फिलोमेला एक बहुत ही ज़्यादा दुखद पिटीफुल विक्टम थी जिसके ऊपर टेरियस ने बहुत बुरा हमला किया। लेकिन नरेटर फिलिप सिडनी इस सिचुएशन को ऐसे नहीं देखता है। वो उन हॉरर्स का जिक्र ही नहीं करता जो हॉरर्स फिलोमेला के खिलाफ हुए। उसका रेप किया गया, उसकी जुबान काट दी गई, उसे बंदी बना के रखा गया। वो ये जो पोम है, ये उसका एक हल्का सा इंडिकेशन भी, स्लाइटेस्ट इंडिकेशन भी नहीं देती है कि जो अब्यूसेस फिलोमेला को टेरियस के हाथों सफर करने पड़े। नरेटर तो क्या करता है, वो फिलोमेला को क्या देखता है, अब आप देखिए, द नाइटेंगल जिसे हम कहते हैं नाइटेंगल फिलोमेला है, एज सून एज अप्रैल ब्रिंग, जैसे ही अप्रैल आती है, अनटू हर रेस्टेड सेंस ए परफेक्ट वॉकिंग। तो उसका जो वो सेंस जो है वो जाग पड़ता है, क्योंकि आपको पता है अप्रैल के अंदर नाइटेंगल अपना गाना गाने शुरू कर देती है। तो कहता है कि जैसे ही अप्रैल आती है, इसका रेस्ट जाग पड़ता है। वाइल लेट बेयर अर्थ प्राउड ऑफ न्यू क्लोथिंग स्प्रिंग। अब अप्रैल आती है तो वैसे ही स्प्रिंग, वसंत आता है, तो जो धरती है जिसके पहले बेयर अर्थ, मतलब जिसके सारे पत्ते गिर चुके हैं, वो तो खुश होती है कि मुझे नए क्लोथिंग, नए उस पर नए पत्ते आ रहे हैं। इधर फिलोमेला क्या करते, नाइटेंगल क्या करती है, सिंग्स आउट हर वोज, वो अपने दुखों को बारे में गाना शुरू कर देती है। ए थॉर्न हर सॉन्ग बुक मेकिंग, इस तरह से उसके जो दुखों की किताब है
वो कुछ कांटे बनाती है, एंड मोर्नफुली बिवेलिंग, ये जो नाइटेंगल है वो बुरी तरह से रोने लगती है। हर थ्रोट इन ट्यून एक्सप्रेस्ड वट ग्रीफ, हर ब्रेस्ट ओप्रेस्ड, उसका जो गला है वो गानों के रूप में जो दुख जो दर्द उसके दिल में छुपा है उसे एक्सप्रेस करता है। फॉर टेरियस फोर्स ऑन हर चेस्ट विल प्रिवेलिंग, कि जो टेरियस ने उसकी चेस्ट पर अटैक किया था। अब यहां से ये तो आपको मिथ का मैंने बता ही दिया है, अब कहता है ओ फिलोमेला फेयर, ओ सुंदर फिलोमेला, ओ टेक सम ग्लैडनेस, तुम तो खुश हो, दैट हियर इज जस्टर कॉज ऑफ प्लांटफुल सैडनेस, क्योंकि ये कहता है कि ये तो दुख का एक जस्टर कॉज है। दाइन अर्थ नाउ स्प्रिंग, आपकी अर्थ पर अब स्प्रिंग आएगी, माइन फेथ, और मेरी जो धरती है मेरा जो प्यार है वो अब फेड हो जाएगा। दाई थोन विदाउट, आपके तो क्या है कि दिल में वो प्यार का कांटा निकल गया, माई थोन माई हार्थ इनवेड, और मेरा जो प्यार है वो मेरे दिल में अभी भी कांटे की तरह है। अलास शी हैथ नो अदर कॉज ऑफ एंग्विश बट टेरियस लव, उसके पास तो दुख का कोई और कारण नहीं बल्कि टेरियस का प्यार था। तो ये जो लाइन है ये एक थीम शो करती है जो कि पूरे वर्क में चलता है, कि वो ये बताना चाहता है कि फिलोमेला एक लकी लड़की है क्योंकि उसे टेरियस प्यार करता है, और मेरी अभी पोजीशन क्या है, थोड़ी खराब है, उससे भी खराब है। वो ये कहता है कि फिलोमेला जो है वो अपनी सिचुएशन के प्रति ओवर रिएक्ट कर रही है, क्योंकि वो कहता है कि सर टेक सम ग्लैडनेस, कुछ खुशी लो, देयर इज जस्टर कॉज ऑफ प्लंटी प्लेंटफुल सैडनेस। नरेटर की आंखों में फिलोमेला को दुखी होने का कोई रीजन नहीं है। वो कहता है कि दुखी होने का रीजन इसलिए नहीं है क्योंकि वो ये कहता है कि सर कि वो वहां पे क्या है कि उनको तो डेली ऐसी अटेंशन मिलती है। अब वो कहता है कि सर फुल वुमन लाइक कंप्लेंस हर विल वाज ब्रोकन, कि आपको तो लेडीज की तरह फुल कंप्लेंट है और मिलती हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। कहता है कि सर बट आई हु डेली क्राविंग कैन नॉट हैव टू कंटेंट मी, पर कहता है कि मेरे पास में अपने को कंटेंट सेटिस्फाइड करने के लिए मैं डेली क्राविंग करता हूँ कि मुझे कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, कोई मुझे भी प्यार करे जैसा टेरियस ने फिलोमेला को किया। हैव मोर कॉज टू लैमेंट मी, मेरे पास तो उसके कारण क्या है और भी ज़्यादा कॉज होता है दुख का, सिंस वांटिंग इज मोर वो देन मच हैविंग, क्योंकि मेरी जो चाह है ना वो बहुत, वो कहता है कि सर आपके पास तो है मेरे पास में नहीं है। ओ फिलोमेला फेयर टेक सम ग्लैडनेस, तुमको तो खुश होना चाहिए, दैट हेयर इज जस्टर कॉज ऑफ प्लंटी फुल सैडनेस। दाइन अर्थ नाउ स्प्रिंग माइन फेड, दाई थोन विदाउट माई थोन माई हार्ट इनवेट। तो इसका जो यही है कि सर वो ये नरेटर की आंखों में फिलोमेला को दुख का कोई कारण नहीं है। कहता है कि सर, वो कहता है कि एक नरेटर यानी फिलिप सिडनी कहते हैं कि आपके पास में ना जो एक पावरफुल प्यार है, वो कहता है कि वो पावरफुल प्यार होना नहीं प्यार होने से तो ज़्यादा बढ़िया है, इसलिए ये वो कहता है कि मेरी पोजीशन तो बड़ी पिटी और सोरो की है, आपकी पोजीशन अच्छी है क्योंकि आपको तो टेरियस जैसा जबरदस्त प्यार करने वाला मिला है, इसलिए कहता है कि आपके पास कंप्लेंट करने का कोई राइट नहीं है जब बाकी लोग आपसे ज़्यादा बुरी स्थिति में हैं। फिलोमेला
कि जो ये लाइन है फुल वूमन लाइक कंप्लेनिंग इंग हर विल वाज ब्रोकन, ये जो लाइन एक इस पोएम को एक नई साइड शो करती है, एक सेक्सिस्ट व्यू पॉइंट दिखाती है। इससे पहले जो पोएम थी उसमें नरेटर को उसमें हमें पता नहीं चलता कि नरेटर का जेंडर क्या है। ये जो स्टेटमेंट जो है ये एक मेल माइंड है, नरेटर इसको शो कर देता है क्योंकि इसकी टोन सेक्सिस्ट है और ये सेक्सिज्म जो है वो माइथोलॉजिकल करेक्टर की तरफ से आ जाता है। नरेटर जो है यहाँ पे फिलोमेला के पेन को डिसमिस कर देता है, पर ये भी क्लियरली अपेरेंट है कि इस पोम के अंदर एक सेक्सिस्ट एलिमेंट है। नरेटर फिलोमेला की कंप्लेन को एक फीमेल ट्रेट, एक लेडीज का गुण बताता है, क्योंकि एक आदमी जो है वो कहता है कि वो कभी भी ऐसी सिंपल चीज यानी कोई उसे प्यार करे इस पर कभी भी शोर नहीं मचाएगा। वो प्यार जो नरेटर जिसकी बात कर रहा है वो तो फिलोमेला की रिलेशनशिप को टेरियस के साथ एक कंसेंचुअल रिलेशनशिप शो कर देता है, मतलब उसमें फिलोमेला की इच्छा थी, जबकि आपको पता है सिंपली ये केस नहीं था। अगर आपको इस टेल की नॉलेज हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, तो कि आपको पता ही है कि फिलोमेला को किडनैप करके रेप किया गया था और उसके बाद टेरियस ने उसे बंदी बना के रखा था। ये जो डिटेल है, ये सारी डिटेल तो फिलिप सिडनी ने गायब कर दी, और बल्कि उसने फिलोमेला में गलती ढूंढ दी ना कि टेरियस में। नरेटर की आंखों में फिलोमेला एक वीक करेक्टर है, जबकि एक्चुअल फिलोमेला में एक्चुअली फिलोमेला प्रोकेन और टेरियस मिथ जो थे वो सारे मिथ जो हैं वो टेरियस पे बेस हैं, जिसमें टेरियस जो है वो एक वो फीमेल फिलोमेला को डोमिनेंट करता है और जो फीमेल की फ्रीडम के लिए क्वेस्ट को बताता है ना कि रिवेंज की क्वेस्ट को बताता है। लेकिन फिलोमेला को बहुत सारे करेक्टर से हेल्प चाहिए होती है और वो गॉड से भी हेल्प मांगती है। उसके जो वीकनेस है, उसकी कंप्लेन और अनएप्रिशिएटिव नेचर है जो इस फिलिप सिडनी ने इस पोम में दिखाई है, वो फिलोमेला की तरफ लुकिंग डाउन भी देखती है, लेकिन साथ ही साथ उससे इन्वाइट करती है कि टेरियस तुमसे ज़्यादा प्यार करता है। इस पोएम के एनालिसिस से हम ये कह सकते हैं कि ऑथर का जो थॉट है वो 15th सेंचुरी में लिखा हुआ थॉट था, इसलिए सेक्सिस्ट अंडरटोन है और एक्सट्रीम लोनलीनेस को भी दिखाया है। वो एक पर्सन था जो 15th सेंचुरी में रहता था, उस समय लेडीज का जो लेडीज के प्रति सेक्सिस्ट व्यू था, इसलिए उसने फिलोमेला को इस तरह से देखा और उसने फिलोमेला और लेडीज को भी उसने इस तरह से देखा और उसने क्लेम किया कि वो ओवर रिएक्ट कर रही थी। और हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक लोनली मैन था क्योंकि इस तरह क्योंकि उसने एक लव की डिजायर के बारे में लिखा है और वो एक किडनेप लेडी से भी इन्वाइट करता है। पोम जो है वो एक इंडिविजुअल की द्वारा लिखी गई थी जिसकी रिलेशनशिप में कॉम्प्लीमेंसी नहीं थी, इसलिए वो ऐसी ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है जिनमें ऐसी प्रॉब्लम है। नरेटर ने फिलोमेला को ऐसी पेनफुल टोन में दिखाया है पर उसके दुख को इग्नोर कर दिया, उसने दिखाया इस तरह दिखाया कि नरेटर कितना डिस्ट्रेस्ड है। सिडनी जो है वो फिलोमेला के टेरियस के ट्रीटमेंट को तो गायब कर देता है, लेकिन वो इस पोम का जो फोकस जो है वो कहता है कि सर मुझे फिलोमेला से ईर्ष्या है। वर्क पूरी तरह से फिलिप सिडनी के माइंडसेट को शो करता है और एक नई जनरेशन के ग्रीफ स्टिकन लवलेस इंडिविजुअल को इस पोम से रिलेट भी करता है। सो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।